हेलो फ्रेंड्स, हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। एज ए मैन थिंक इट दुनिया भर में सेल्फ हेल्प के क्षेत्र में बहुत ही मशहूर पुस्तक है। अगर हम कहें कि यह पुस्तक स्वयं को समर्थ बनाना या फिर स्वयं को सिद्ध करने के बारे में लिखी गई है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह छोटी सी पुस्तक हमें यह बताने के साथ साथ कि हम महान बन सकते हैं, हमें महान बनने में एक टूल की तरह काम करती है। सत्य हमें उन सीमाओं से मुक्त कर सकता है, वह हमारे जीवन को बदल सकता है जिनसे हम घिरे हुए हैं। सत्य तब बहुत ही शक्तिशाली होता है जब इसे साधारण भाषा में आसान तरीके से पेश किया जाता है। जेम्स एलन हमें इस पुस्तक के माध्यम से स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि कैसे हम उस चाबी रूपी ज्ञान का प्रयोग करके जिस सफलता की हम कल्पना करते हैं उस महानतम सफलता को और उसे प्राप्त करने के तरीकों को खोल सकते हैं। इस पुस्तक को 7 अध्यायों में लिखा गया है जो बेहद सुंदर तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे पहला अध्याय है विचार और चरित्र, दूसरा अध्याय परिस्थितियों पर विचार का प्रभाव व तीसरा अध्याय है शरीर और स्वास्थ्य पर विचार का प्रभाव। इसी तरह से यह लयबद्ध तरीके से आगे बढ़ती है, वह आपको विचार शक्ति का पूरा परिचय करवाती है। यह पुस्तक आपको यह बताती है कि किस तरह हम अपने विचार रूपी यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जेम्स कहते हैं कि हम वास्तव में वही हैं जो हम सोचते हैं। हमारा चरित्र हमारे विचारों का फल है। आप अपने भाग्य के निर्माता हैं। यह नियम परम सत्य है कि जो खोजेंगे उन्हें मिलेगा, जो दस्तक देंगे उनके लिए दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि धैर्य, अभ्यास और निरंतर दृढ़ता के माध्यम से ही आप ज्ञान के मंदिर में दाखिल हो सकते हैं। जेम्स आगे कहते हैं कि आप तब तक परिस्थितियों के द्वारा नियंत्रित रहेंगे जब तक यह सोचते रहेंगे कि हम बाहरी परिस्थितियों से नियंत्रित होने वाले हैं। आपने अगर नेपोलियन हिल के द्वारा लिखित पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी है तो आपने महसूस किया होगा कि विचार की शक्ति कितनी महान है। विचार की शक्ति के माध्यम से क्या कुछ नहीं किया जा सकता है। जेम्स के सूत्रों को और अधिक समझने के लिए हमें इस पुस्तक को भी पढ़ना या इसकी ऑडियो बुक सुननी चाहिए। यह पुस्तक मूल रूप से एक कविता, मन वह मूल शक्ति है जो हर कार्य को एक सांचे में ढालती है और बनाती है के रूप में शुरू होती है। बौद्ध मतानुसार शुरुआत में दी गई कविता उस पुस्तक का सार होती है। अगर आप उस कविता को समझ लेते हैं तो मान लीजिए आपने उस पुस्तक के सार को समझ लिया है और उसमें दी गई एक ऐसी चाबी को खोज लिया है जो आपकी प्रतिभा, शक्ति और जादू के ताले को खोल सकती है। जेम्स एलन द्वारा लिखित पुस्तक एज ए मैन थिंक इट का एक उपहार के रूप में आनंद लें। यह छोटी सी पुस्तक अपने आप में एक महान खजाना लिए हुए आपके सामने है। धन्यवाद। hindiaudiobook.com आपका दिन शुभ हो। हेलो फ्रेंड्स, हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। आज हम जेम्स एलन के द्वारा लिखित पुस्तक एज ए मैन थिंक इट सुन रहे हैं। जेम्स एलन का जन्म सन 1864 में इंग्लैंड के लिसेस्टर में हुआ था। उनके पिता का देहांत उनके बचपन में ही हो गया था, जिससे उन पर व उनके परिवार पर मुश्किलों का पहाड़ सा टूट पड़ा था। ऐसी परिस्थितियों में उन्हें मात्र 15 साल की आयु में ही पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। साल 1902 तक आते आते उन्होंने फैसला किया कि अब वे केवल लिखने का ही कार्य करेंगे। इस दौरान उन्होंने अपने लेखन कार्य को कॉन्ट्रैक्टर्स के माध्यम से भी किया। अपनी पहली पुस्तक फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर पूरी करने के बाद वे इन्फ्राकॉम, जो कि इंग्लैंड का दक्षिणी पश्चिम तट है, वहां पर आकर बस गए थे। जेम्स वहां अपनी मृत्यु पर्यंत साल 1912 तक रहे। जेम्स एलन ने अपने जीवन में 19 बेहद सफल व ज्ञानवर्धक पुस्तकें लिखी हैं। आज आप जिस पुस्तक एज ए मैन थिंक इट को सुनने जा रहे हैं यह उनकी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानी जाती है। यह पुस्तक विचार की शक्ति पर एक निबंध नहीं है, बल्कि ध्यान, खोज और अनुभव का बहुआयामी फल है। यह पुस्तक सभी स्त्रियों और पुरुषों को इस सत्य को खोजने में मदद करने की कुंजी है कि वे स्वयं खुद के निर्माता हैं। वे अपने सुख दुख व ज्ञान अज्ञान के मुख्य शिल्पकार उनके खुद के विचार ही होते हैं। इनका निर्माता उनका खुद का मन ही होता है। जेम्स एलन, इल्फ्राकॉम, इंग्लैंड। अध्याय 1, विचार और चरित्र। hindiaudiobook.com। हम वैसे ही हैं जैसा हम अपने मन में सोचते हैं।
इस मुहावरे ने केवल हमारे संपूर्ण अस्तित्व को ही नहीं समेटा है, बल्कि यह हमारे संपूर्ण जीवन की हर एक दशा, दिशा और परिस्थितियों पर पूर्ण रूपेण खरा उतरता है। हमारा चरित्र हमारे संपूर्ण विचारों का ही संपूर्ण फल है। हम वास्तव में वही हैं जो हम सोचते हैं। जैसे बिना बीज के एक पौधा नहीं उग सकता, उसी तरह हमारे विचारों में छिपे हुए बीजों के बिना हमारा कोई भी कर्म उत्पन्न नहीं हो सकता। यह सूत्र उन सभी कर्मों पर भी बिना शर्त लागू होता है जिन्हें हम स्वप्रेरित या अपूर्व योजित या फिर जिन्हें सोच समझकर किया जाता है। विचारों का मूल कर्म है और यही हमारे सुख दुख का फल है। अतः हम जो भी फल पाते हैं, चाहे वो मीठे हों या कड़वे, ये सभी हमारे विचारों का ही परिणाम होते हैं। हम आज जो भी हैं, वह सब हमारे मन में उत्पन्न होने वाले विचारों के द्वारा रचित और निर्मित हैं। यदि हम अपने मन में अज्ञान से ओतप्रोत बुरे विचारों को पनपने देते हैं और सदा उन्हें ही पालते रहते हैं, तो हम अपनी ओर दुख व दर्द को ही आकर्षित कर रहे हैं और जल्द ही हम दुख से घिरे होंगे, जो हमारे बुरे विचारों का ही परिणाम होगा। इसके विपरीत यदि हमारे मन में हम स्वस्थ और हितकर विचार रखेंगे, तो आनंद और सुख हमारा उसी तरह पीछा करेंगे जैसे धूप में परछाई हमारा पीछा करती है। पुरुष और स्त्री किसी नियम के द्वारा कौशल से रची रचना नहीं है, बल्कि ये तो एक उन्नति है। विचारों का जितना प्रभाव पूर्ण और दृढ़ परलोक में है, उतना ही प्रभाव इस भौतिक जगत में भी है। एक महान और ईश्वरीय चरित्र कोई संयोग से नहीं उत्पन्न होता, बल्कि वह लगातार सही ईश्वरीय विचार सोचने और उनसे लगातार संबंध बनाए रखने से संभव है। इसी प्रक्रिया के द्वारा नीच और पशुवृत्ति वाले मनुष्य लगातार पोषित किए जा रहे हैं, जो दुष्ट व घृणित विचारों का ही परिणाम है। हम खुद के विचारों के द्वारा ही अच्छे या बुरे इंसान बनते हैं। हमेशा हम अपने विचारों की शस्त्रशाला में उन शस्त्रों का संधान करते रहते हैं, जिनका प्रयोग हम हमेशा अपने नाश के लिए करते रहते हैं। हम उन उपकरणों को भी बनाते रहते हैं जिनके द्वारा हम अपने जीवन को सुखद, आनंदमय और शांतिमय बनाते हैं, वह साथ ही साथ समाज को भी इसका लाभ देते हैं। हम सही विचारों के चुनाव से व उनके सच्चे प्रयोग के द्वारा दिव्यता और पूर्णता तक उठ सकते हैं। गलत या बुरे विचारों के प्रयोग के द्वारा हम पशु से भी नीचे स्तर तक गिर सकते हैं। इन दोनों चरम चरित्रों के बीच में ही सभी चरित्र स्तर होते हैं, जिनके निर्माता, कारीगर, पालक व स्वामी हम स्वयं होते हैं। इस युग की सबसे ऊर्जावान, ताकतवर, विश्वास से भरा हुआ दिव्य वचन और दिल को सुख देने वाला आत्मा से संबंधित यह सत्य है कि तुम अपने विचारों के मालिक, चरित्र को ढालने वाले, अपनी परिस्थिति, वातावरण और भाग्य के कारीगर और रचयिता खुद हो। शक्ति, बुद्धि और प्रेम की सत्ता और स्वयं के विचारों के स्वामी तुम खुद हो, और तुम्हारे पास ही रूपांतरणकारी व पुनरुत्थान की शक्ति है, जिसके द्वारा तुम खुद को वो बनाते हो जो बनाना चाहते हो। हर परिस्थिति को नियंत्रित करने की चाबी तुम्हारे हाथों में है। तुम अपने हर हाल के स्वामी होते हो, यहां तक कि अपनी सबसे कमजोर और दुराचारी परिस्थिति के मालिक भी तुम खुद ही होते हो। उस समय तुम एक कमजोर और बेकार, मूर्ख घर के मालिक होते हो, जो अपने परिवार को गलत ढंग से चला रहा होता है। जब तुम अपनी इस दशा के बारे में सोचते हो और उस सूत्र को, जिससे तुम्हारा अस्तित्व है, को अपनी पूरी ताकत लगाकर ढूंढते हो, तब तुम एक बुद्धिमान स्वामी के नजरिए से अपनी सभी शक्तियों को बुद्धिमता पूर्वक निर्देशित करते हो और अपने विचारों को एक सुखद फलदायी रूप देने लगते हो। इसे ही एक बुद्धिमान व जागरूक मालिक कहते हैं, जो अपने विचारों के नियमों को खोजकर अपने जीवन को सही दिशा देता है। इस प्रकार खोज, प्रयोग, आत्मविश्लेषण और अनुभव के द्वारा अपने विचारों के सूत्र खोजकर आप भी एक बेहतरीन मालिक बन सकते हैं। आप जानते हैं कि सोने और हीरे को खोजने के लिए गहन खनन करनी पड़ती है। इसी तरह तुम अपनी आत्मा की खान में गहरा खोदोगे, तभी अपने अस्तित्व से जुड़े हर सत्य जान पाओगे। यदि तुम अपने विचारों को देखो, नियंत्रित करो और उन्हें बदलते हो, और दूसरों व अपने जीवन और परिस्थितियों में हो रहे बदलावों के कारण और प्रभावों को महसूस कर, देख कर, धैर्यपूर्ण अभ्यास और परख करो, अपने हर अनुभव को, यहाँ तक कि हर दिल के छोटे छोटे बदलावों को भी स्वयं के बारे में आए बदलावों के बारे में जानने के लिए प्रयोग करो, जिससे समझ, बुद्धि और शक्ति जो तुम्हें प्राप्त हो रही है उसे महसूस करो।
फिर तुम शायद बिना चूके इस सत्य को सिद्ध कर सकते हो कि तुम अपने चरित्र को बनाने वाले हो, अपने जीवन को सही सांचे में ढालने वाले हो और अपने भाग्य के निर्माता तुम ही हो। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए यह नियम परम सत्य है कि जो खोजेंगे उन्हें अवश्य मिलेगा, जो दस्तक देंगे उनके लिए दरवाजे अवश्य खुलेंगे, क्योंकि दृढ़ता, धैर्य और अभ्यास के द्वारा ही तुम ज्ञान के उज्ज्वल मंदिर में प्रवेश कर सकते हो। धन्यवाद। hindiaudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। हिंदी ऑडियोबुक में आपका स्वागत है। अध्याय 2, परिस्थितियों पर विचार का प्रभाव। आप अपने मन को एक बगीचे के समान समझकर या तो उसे बुद्धिमानी से जोत सकते हैं या फिर उसे लापरवाही से अपने आप बढ़ने दे सकते हैं, परंतु उसे चाहे जोता जाए या उसे खाली छोड़ा जाए या उसकी उपेक्षा की जाए, उसमें कुछ न कुछ उगेगा जरूर, या कहें कुछ न कुछ फलीभूत अवश्य होगा। अगर उसमें कोई बीज नहीं बोए जाते तो अनावश्यक वह बेकार के खरपतवार के बीज उसमें गिरते रहेंगे और वे उगाएंगे। एक माली अपने बगीचे में अनावश्यक खरपतवार को समय समय पर निकालता रहता है और उसमें वही फल फूल और पेड़ पौधे आदि लगाते हैं जिसकी माली को चाह होती है या कहीं आवश्यकता होती है। हमें भी अपने मन रूपी बगीचे को एक माली की तरह लगातार देखभाल करते रहना चाहिए। अशुद्ध, बेकार, अनावश्यक और अनुचित विचारों को पहचान कर अपने मन से निकाल फेंकना चाहिए। वह आवश्यक, शुद्ध, उपयोगी और उत्पादक विचारों को फलों और फूलों की तरह सहेज कर उनकी उचित प्रकार से देखभाल करते रहना चाहिए। इस प्रक्रिया का पालन करते हुए उचित समय अवधि में आप जान पाओगे कि आप ही अपनी आत्मा के प्रमुख माली और रक्षक हो। आप ही अपने जीवन के निर्देशक हो। आप ही अपने अंदर विचारों के नियमों को प्रकट कर पाते हो। आप ही हमेशा बढ़ती सत्यता से यह भी समझ पाते हो कि कैसे आपके विचार की शक्तियां और मन के अन्य घटक आपके सच्चे चरित्र, सकारात्मक परिस्थितियां और उज्ज्वल भाग्य का निर्माण करने के काम में लगे हुए हैं। विचार और चरित्र एक समान होते हैं, क्योंकि माहौल और परिस्थितियों के द्वारा ही चरित्र निर्मित होता है और प्रकट होता है। इस प्रकार आप हर समय यह देखेंगे कि आपके जीवन की बाहरी परिस्थितियां आपके अंतर्मन के विचारों से परस्पर जुड़ाव और तालमेल में रहेंगी। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हर समय जैसी आपकी परिस्थिति है वह आपके पूरे चरित्र को ही दर्शाती रहती है। इसका अर्थ यह है कि वे परिस्थितियां आपकी विचारधारा के किसी आवश्यक पहलू से उस समय के लिए इतना करीब से जुड़ी हुई है कि वे आपकी प्रगति के लिए आवश्यक हों। आज आप जिस भी स्थिति में हैं वह सब आपकी सत्ता के नियमों के कारण ही हैं। आपको इस जगह आपके विचार ही लेकर आए हैं। आपके जीवन की संरचना में संयोग नाम की कोई चीज नहीं है। जो भी है वह उस नियम का ही परिणाम है जो अचूक है। यह बात उनके लिए उतनी ही सही है जो अपनी परिस्थितियों के साथ तालमेल में कमी का अनुभव करते हैं, जितना कि उनके लिए जिन्हें लगता है कि वे परिस्थितियों से संतुष्ट हैं। एक प्रगतिशील और जागरूक सत्ता के रूप में आप जहां पर हो वहां इसलिए हो कि आप उससे सीख कर आगे बढ़ सको। जैसे आप परिस्थिति में निहित आध्यात्मिक शिक्षण को सीख लेते हो, वह निकल जाती है और दूसरी परिस्थितियों के लिए जगह बनाती है। जब तक आप यह विश्वास करते रहोगे कि आप बाहरी परिस्थितियों द्वारा प्रभावित प्राणी हो, तब तक आप परिस्थितियों की मार खाते रहोगे। लेकिन जब आपको यह अनुभव होगा कि आप एक रचनात्मक शक्ति हो और उस छिपी हुई भूमि और बीज जिससे परिस्थितियां पनपती है पर अपना अधिकार जमा सकते हो, तब आप सही मायने में अपने खुद के स्वामी बन जाते हो। आत्म परीक्षण और आत्म संयम का अभ्यास करने वाले सभी लोग यह जानते हैं कि परिस्थितियां विचारों से ही उत्पन्न होती है। उन्होंने यह देखा है कि उनकी परिस्थितियों में फेरबदल उनकी मानसिक स्थिति में फेरबदल से सीधे अनुपात में होता है। यह सही है कि जब आप उत्सुकता से अपने विचारों की कमियों को दूर करने में स्वयं को लगा लेते हो, तब आप बहुत जल्दी प्रगति करते हैं और बहुत सारे परिवर्तनों से जल्दी ही गुजरते हैं। हर विचार रूपी बीज जिसे मन में विचारों के माध्यम से बोया जाता है वह अच्छी उपज ही देगा और देर सवेर किसी न किसी कार्य के रूप में फलता फूलता है। वह उसमें परिस्थिति रूपी फल अवश्य लगते हैं। अच्छे विचार अपने अनुरूप अच्छे फल और बुरे विचार हमेशा बुरा ही फल देते हैं। परिस्थितियों का बाहरी जगत विचार के आंतरिक जगत का निर्माण करता है।
किसी इंसान को अच्छाई की चरम सीमा तक ले जाने के लिए प्रिय व अप्रिय बाहरी परिस्थितियों के वे मुख्य घटक हैं। आप अपने बोए की फसल काटने वाले स्वयं होने के नाते कष्ट और आनंद दोनों का ही अनुभव करते हो, वह उनसे सीखते हो। जिन्हें आप अपने पर हावी होने देते हो, ऐसी आंतरिक इच्छाओं, आकांक्षाओं और विचारों का अनुसरण करते हुए अपने जीवन की बाहरी परिस्थितियों के रूप में उनकी पूर्णता तक पहुंचते हो। उन्नति और अवनति के नियम सब जगह लागू होते हैं। कोई भी व्यक्ति जब अवनति के निचले स्तर पर या जेल जाता है तो परिस्थिति की क्रूरता के कारण नहीं, बल्कि अपने तुच्छ विचारों और निम्नतम इच्छाओं के द्वारा जाता है। एक सच्चे मन वाला व्यक्ति एकाएक ही किसी बाहरी शक्ति के दबाव में आकर अपराध से नहीं घिर जाता। उसके मन में आपराधिक सूक्ष्म विचार गुप्त रूप से पनप रहा होता है, जो अवसर मिलते ही अपनी पूरी शक्ति से प्रकट होता है। परिस्थितियां व्यक्ति को नहीं बनाती, बल्कि उस व्यक्ति का विचार जैसा है उसके लिए वैसी परिस्थिति प्रकट करती है। शिवाय हमारे स्वयं के बुरे इरादों के ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं होती जो हमें बुराइयों या कष्ट की ओर नीचे ले जा सके। इसी प्रकार ऐसी भी कोई स्थिति नहीं हो सकती जो हमारी बिना अच्छी और सफल आकांक्षाओं को निरंतर उपजाए, हमें पुण्य, सफलता और उससे जुड़े आनंद की ओर ऊपर न उठाए। इस प्रकार से हम यह जान जाते हैं कि अपने विचारों के स्वामी होने के नाते हम स्वयं को बनाते हैं, अपनी परिस्थितियों और वातावरण को आकार देते हैं और उसके रचयिता भी हम ही होते हैं। हम जो चाहते हैं उसे आकर्षित नहीं करते, बल्कि हम उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं जो हम हैं। हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी पसंद और हमारी इच्छाएं कदम कदम पर निष्फल होती रहती हैं। हमारे आंतरिक विचार और इच्छाएं स्वयं की खुराक, जो चाहे अच्छा हो या बुरा, उसी के द्वारा पोषित होती है। वह दिव्यता जो हमें आकार देती है, वह हमारी आत्मा है जो हमारे अंतर्मन में है। हम स्वयं के द्वारा ही बंदी बनाए गए होते हैं। हमारे स्वयं के विचार और कर्म हमारे भाग्य के जेलर हैं। यदि वे तुच्छ हैं तो हमें बंदी बनाते हैं, और अगर वे अच्छे हैं तो हमें मुक्त करते हैं। आपने कभी ना कभी यह महसूस अवश्य किया होगा कि हमें वह नहीं मिलता जिसकी हम इच्छा करते हैं या जिसके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपको पता है कि हमें वह मिलता है जो हम सही तरीके से कमाते हैं, क्योंकि हमारी इच्छाएं और प्रार्थनाएं तभी पूर्ण होती हैं जब वे हमारे विचारों और कर्म से तालमेल में होती हैं। इस दृष्टिकोण से देखें तो परिस्थितियों से लड़ने का हमारे जीवन में क्या अर्थ है? इसका सीधा सा अर्थ है कि हम हमेशा बाहरी प्रभावों से लड़ते रहते हैं, वह साथ ही साथ उसके कारणों को अपने मन में पोषित व संरक्षित करते रहते हैं। यह कारण या तो जागरूक बुराई या फिर अजागरूक कमजोरी का रूप धारण कर लेता है, लेकिन चाहे वह जो कुछ भी हो, वह धारण करने वाले के प्रयत्नों को दृढ़ता से रोकता है और किसी हल को खोजने को मजबूर करता है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी परिस्थितियों में सुधार लाना चाहते हैं, परंतु स्वयं में बिल्कुल भी सुधार नहीं लाना चाहते, और इसलिए हम बंधन में रहते हैं। यदि हम सच्चे आत्म परीक्षण से मुंह नहीं छिपाएं तो हम कभी भी वह पाने से वंचित नहीं होंगे जो हमारा दिल चाहता है। यह सभी भौतिक विषयों के लिए उतना ही सही है जितना कि दैवी विषयों के लिए। यदि हम केवल संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने लक्ष्य को पाने से पहले हमें अपने महान व्यक्तिगत त्याग करने के लिए तैयार होना चाहिए, और हम में से वे सशक्त और शांत जीवन चाहते हैं उनके लिए तो कितना और कुछ करना होगा। कुछ लोग जो गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं, वे हमेशा इस बात के लिए व्याकुल रहते हैं कि उनके आसपास का माहौल और घरेलू सुख सुविधाएं सुधरने चाहिए, लेकिन इन परिस्थितियों को बदलने के लिए किए जाने वाले काम से जी चुराते रहते हैं। वे मानते हैं कि अपने मालिक, जहां वे काम करते हैं, उसे धोखा देते रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें बहुत कम तनख्वाह मिलती है, इसलिए वे जो कर रहे हैं वह सही है। ये लोग इस साधारण से मूलभूत सिद्धांत को नहीं समझ पा रहे हैं जो कि सच्ची समृद्धि का आधार है, और न केवल अपनी गरीब स्थिति से बाहर निकलने के लिए योग्य हैं, बल्कि बुरी परिस्थितियों के बारे में सोच सोच कर उसे वास्तव में अपने जीवन में आकर्षित कर लेते हैं। ऐसे लोग कमजोर, आलसी और हमेशा भ्रमित विचारों में जी रहे होते हैं। कुछ अमीर लोग हैं जो पेटुपन की वजह से लगातार दर्दनाक बीमारियों से ग्रस्त हैं। वे इन बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए ढेर सारा पैसा खर्च तो करना चाहते हैं, परंतु ज्यादा खाने की आदत को बदलने के लिए तैयार नहीं है। वे ज्यादातर चटपटे और मजेदार खाने की अपनी इच्छा को
हमेशा संतुष्ट करना चाहते हैं और अच्छा स्वास्थ्य भी चाहते हैं। ऐसे लोग अच्छे स्वास्थ्य के लिए अयोग्य हैं, क्योंकि उन्होंने स्वस्थ जीवन के पहले सिद्धांत को अभी तक नहीं सीखा है। कुछ मालिक हैं जो गलत रास्ते से धन कमाकर अमीर और ज्यादा अमीर होना चाहते हैं, जिसके लिए वे चालाकी से सही वेतन न देकर ज्यादा काम करवाना चाहते हैं। ऐसे मालिक समृद्धि के बिल्कुल योग्य नहीं है। जब इनका प्रतिष्ठा और समृद्धि दोनों ही मामलों में दिवाला निकल जाता है, तब ये लोग परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानना चाहते कि अपनी इस परिस्थिति के वे ही पटकथा लेखक हैं। ये तीन उदाहरण मात्र इस सत्य को बताने के लिए कहे गए हैं कि लोग अपनी परिस्थितियों को बिना जाने निरंतर उन विचारों और इच्छाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं जो उन अच्छे फल से संभवतः तालमेल नहीं खाते हैं जो वे चाहते हैं। वे ऐसा करते हुए अच्छे फल को निरंतर निष्फल कर रहे हैं। ऐसे किस्से कई गुना बढ़ सकते हैं और निरंतर चल सकते हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। यदि हम दृढ़ निश्चय कर लें कि हम अपने मन और जीवन में विचार के नियम के क्रम को खोजेंगे, और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक केवल बाहरी तथ्य तर्क के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। परिस्थितियां फिर भी इतनी जटिल हैं, विचार इतना गहराई से बैठा है और व्यक्ति व्यक्ति में प्रसन्नता की अवस्था इतनी भिन्न है कि हमारी समस्त आत्मदशा जो हमें पता है केवल जीवन के बाहरी पहलू के तहत किसी के द्वारा आंकी नहीं जा सकती है। कोई व्यक्ति किन्हीं कार्यों में ईमानदार हो सकता है परंतु अभावग्रस्त है, जबकि दूसरा व्यक्ति कई कार्यों में बेईमान हो सकता है फिर भी खूब संपत्ति हासिल करता है। और इसका अधिकतर मतलब निकाला जाता है कि कोई व्यक्ति इसलिए असफल होता है क्योंकि वह ईमानदार है, और दूसरा व्यक्ति इसलिए सफल है कि वह बेईमान है। और यह सतही निर्णय के फलस्वरूप होता है जो यह मान लेता है कि बेईमान व्यक्ति लगभग पूरी तरह से भ्रष्ट है और ईमानदार व्यक्ति लगभग पूरी तरह से पुण्यात्मा है। गहन ज्ञान और विस्तृत अनुभव के आधार पर यह निर्णय गलत माना जाता है। बेईमान व्यक्ति में भी कुछ ऐसे प्रशंसनीय गुण हो सकते हैं जो दूसरों में नहीं है, और ईमानदार व्यक्ति में कुछ ऐसे दुर्गुण हो सकते हैं, चाहे सूक्ष्म ही क्यों न हो, जो दूसरों में नहीं होते हैं। ईमानदार व्यक्ति अच्छे विचारों और कर्मों के कारण अच्छा फल पाते हैं, परंतु अपने दुर्गुणों के कारण कष्ट का भी अनुभव करते हैं। बेईमान व्यक्ति उसी तरह से कष्ट या हर्ष का अनुभव करता है। मानव अहम को यह मानना अच्छा लगता है कि व्यक्ति अपने सद्गुणों के कारण कष्ट में होता है, परंतु जब तक हम अपने मन से हर रोगी कटु और अशुद्ध विचार को निकाल नहीं फेंकते हैं और अपनी आत्मा से हर अस्वस्थ दाग को साफ नहीं कर देते हैं, तब तक हम उस स्थिति में नहीं हो सकते हैं जहां हम यह जान पाएं और घोषित कर पाएं कि हमारा कष्ट हमारे बुरे विचारों के कारण है, न कि हमारे अच्छे गुणों के फलस्वरूप है। उस परम पूर्णता के पथ पर पहुंचने से बहुत पहले हमें अपने जीवन और मन में कार्यशील उस महान नियम का पता चल जाएगा जो पूर्णतया न्याय संगत है, जो बुरे के बदले अच्छा या अच्छे के बदले बुरा नहीं देगा। जब हमें ऐसा ज्ञान होता है तब हम यह जान पाते हैं अपने पूर्ण के अज्ञान और अंधेपन को देखते हुए कि हमारा जीवन अभी और सदा से ही न्याय संगत रहा है। हमारे पूर्व के सारे अच्छे या बुरे अनुभव हमारे विकसित होते हुए फिर भी अविकसित आत्मा के ही उचित परिणाम है। अच्छे विचार और कर्म कभी भी बुरे परिणाम नहीं दे सकते, और इसके विपरीत भी इतना ही सही है कि बुरे विचार और कर्म कभी अच्छे सुखद परिणाम नहीं दे सकते। हम प्रकृति जगत में इस नियम को भलीभांति जानते हैं और समझते हैं, वह इसके अनुसार काम भी करते हैं कि आम के बीज से आम का पेड़ ही उगेगा और बबूल के बीज से केवल बबूल का पेड़ ही उगेगा और वैसे ही फल देगा। लेकिन कुछ ही इसे मानसिक व नैतिक जगत में समझते हैं, जबकि हमारे विचारों के मामले में भी यही नियम लागू होता है। वहां भी यह उतना ही सहज व अटल है। इसे न समझने पर हमें परेशानी उठानी पड़ती है, और तब ये नियम हमारी इच्छाओं के अनुरूप सहयोग नहीं देते हैं। कष्ट व पीड़ा गलत दिशा में लगाए गए गलत विचारों का प्रभाव है। यह एक संकेत है कि हमारा अपने आप से अपने अस्तित्व के नियम से तालमेल नहीं रहा है। कष्ट का एकमात्र और उच्चतम कार्य है शुद्धि करना। वह सब जो बेकार और अशुद्ध है उसे जला देना, वे जो शुद्ध हैं उनके लिए कष्ट खत्म हो जाते हैं। एक बार जब सोने से मैल हट जाता है तो उसे जलाते रहने का कोई मतलब नहीं होता है। और इसी तरह से पूर्ण रूपेण शुद्ध व साक्षात्कारी पुरुष कष्ट में नहीं रहता। वह परिस्थितियां जिनका हम कष्ट से सामना करते रहते हैं
वे हमारी मानसिक विसंगतियों का परिणाम है। वे परिस्थितियां जिनका हम कृपा व आनंद से सामना करते हैं, वे हमारी मानसिक संगति का नतीजा है। कृपा, आनंद, मानसिक पवित्रता ही भौतिक संपत्ति की अधिकता का माप नहीं है, और यह भी नहीं कि बुरे विचार ही एकमात्र कष्ट, क्लेश और दुख ही भौतिक संपत्ति की कमी का परिमाप है। कुछ लोग दुखी और अमीर होते हैं, कुछ लोग धन्य और अमीर भी होते हैं। पवित्रता और अमीरी तभी जुड़ते हैं जब धन को सही और विवेक से कमाया और इस्तेमाल किया जाता है। गरीब अधिक पीड़ा का अनुभव तब करते हैं जब उन्हें लगता है कि बिना वजह के उनका बोझ उन पर लाद दिया गया है। गरीबी और भोगाशक्ति दुख या कहीं पीड़ा के दो चरम पहलू है। ये दोनों ही अस्वाभाविक है, मानसिक असंतुलन का नतीजा है। जब तक हम खुश, स्वस्थ और समृद्ध नहीं होते, तब तक हमारी सही अवस्था नहीं होती। खुशी, स्वास्थ्य और समृद्धि का हमारी परिस्थितियों के आंतरिक और बाहरी स्थिति से तालमेल का ही परिणाम है। जब हम शिकायत व तिरस्कार करना बंद कर देते हैं और उस छिपे हुए नियम को जो हमारे जीवन को संचालित करता है उसे ढूंढना शुरू करते हैं, तब हम खुश, स्वस्थ और समृद्ध होना शुरू कर देते हैं। और एक जब हम अपने मन में उस संचालित करने वाले घटक को अपना लेते हैं, तब हम दूसरों पर अपने कष्ट का कारण होने का आरोप लगाना बंद कर देते हैं और हम सशक्त और स्वस्थ विचारों को अंतर्मन में बढ़ाने लगते हैं। हम परिस्थितियों पर चीखना चिल्लाना बंद कर देते हैं। वह अपनी तीव्र प्रगति के लिए अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों और संभावनाओं को खोज करके एक साधन के रूप में प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। इस सत्य का प्रमाण हर इंसान में है, और इसलिए नियमित आत्म परीक्षण और आत्म विश्लेषण की सरल पड़ताल द्वारा इसे जाना जा सकता है। हम मूलभूत तौर पर अगर अपने विचारों को बदलते हैं तो हम अपने जीवन की भौतिक परिस्थितियों में आए त्वरित बदलाव को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। कभी कभी हमें लगता है कि हम अपने विचारों को गुप्त रख सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। वे जल्दी ही आदत में बदल जाते हैं और आदत परिस्थितियों का रूप ले लेती है। बुरे और निम्न स्तर के विचार आक्रोश और नशे की आदत बनाते हैं, जो पीड़ा, कष्ट और गरीबी का रूप लेते हैं। किसी तरह के भी विनाशकारी विचार अनसुलझी थकाऊ आदतें बन जाती हैं, जो ध्यान भंग करने वाली और विपरीत परिस्थितियों का आकार ले लेती है। डर, संशय और अनिर्णायक विचार कमजोर और बेमेल आदतों का रूप ले लेते हैं, जो असफलता, गरीबी और निर्भरता की परिस्थितियों के रूप में आकार लेती है। आलसी विचार बेईमानी और गंदगी का रूप लेते हैं, जो गरीबी व नीचता का आकार लेती है। घृणित और दंडनीय विचार हिंसा और आरोप लगाने की आदत का रूप लेते हैं, जो चोट लगने व दंड मिलने वाली परिस्थितियों का आकार लेते हैं। हर तरीके से स्वार्थी विचार स्वार्थीपन का रूप लेते हैं, जो उन परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं जो दुखदायी होती है। दूसरी ओर हर तरह के सुंदर विचार कृपा और अच्छाई का रूप लेते हैं, जो प्रिय और सुखद परिस्थितियों को आकार देते हैं। रचनात्मक विचार आत्मसंयम और संतुलित मन का रूप लेते हैं, जो शांति और विश्रांति की परिस्थितियों का आकार लेती है। साहस, आत्मनिर्भरता और निर्णय के विचार सशक्त और फलदायी आदतों का रूप लेते हैं, जो सफलता, प्रचुरता और मुक्ति की परिस्थितियों को आकार देती है। ऊर्जापूर्ण विचार सफाई पसंद व उद्यमी आदतों को आकार देती है। मृदुल व क्षमाशील विचार मृदुलता की आदत का रूप लेते हैं, जो सुरक्षित व स्वस्थ परिस्थितियों को आकार देती है। प्रेमपूर्ण और निस्वार्थ विचार दूसरों के लिए स्वयं को भूल जाने की आदत का रूप लेते हैं, जो निश्चित और स्थायी प्रचुरता व सच्ची समृद्धि की परिस्थितियों को आकार देती है। लंबे समय तक एक ही तरीके की विचारधारा, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, चरित्र और परिस्थितियों पर अपना प्रभाव अवश्य छोड़ती है। हम अपनी परिस्थितियां प्रत्यक्ष तरीके से नहीं चुन सकते, लेकिन अपने विचारों को चुन सकते हैं और इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य ही परिस्थितियों को आकर्षित कर सकते हैं। प्रकृति हमारे साथ है, हमारे अपने द्वारा काम करती है, जिससे कि हम इन विचारों का आनंद उठा सकें, जिन्हें हम पोषित करते हैं और ऐसे अवसर प्रस्तुत होते हैं जो जल्दी ही अच्छे और प्रभावशाली विचारों को सतह पर ले आते हैं। जैसे ही हम अपने नकारात्मक और विनाशकारी विचारों को त्यागते हैं, पूरा संसार हमारे प्रति मधुर हो जाता है और हमारी मदद करने को तैयार हो जाता है। जैसे ही हम अपने कमजोर और दूषित विचारों से दूर जाने लगते हैं, हर तरफ ऐसे अवसर उमड़ने लगते हैं
जिससे कि हमारे सशक्त संकल्प को मदद मिले। जैसे ही हम अच्छे विचारों को बढ़ावा देते हैं तो कोई भी दुर्भाग्य हमें शर्म और कष्ट से नहीं घेरता है। संसार हमारा बहुरूपदर्शी केलिडोस्कोप है और हर क्षण जिन विभिन्न रंगों को प्रस्तुत करता है वे हमारे सतत उभरते विचारों के अद्भुत चित्र हैं। धन्यवाद। hindiaudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। हेलो फ्रेंड्स, हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। अध्याय 3, शरीर और स्वास्थ्य पर विचार का प्रभाव। एज ए मैन थिंकेथ, रिटन बाय जेम्स एलन। हमारा शरीर हमारे मन के आदेशों का अक्षरशः पालन हमेशा एक सेवक की तरह करता है। यह मन के हर क्रियाकलापों का पालन करता है, चाहे फिर वे सोच विचार कर चुने गए हों या स्वतः प्रकट हुए हों। मन के दूषित, नकारात्मक व बुरे विचारों के कारण हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है, जिससे हम पतन की ओर अग्रसर होते हैं। और अगर हमारे मन में खुश, सुंदर, स्वस्थ और सकारात्मक विचार हैं, तो इनकी आज्ञा पर हमारा शरीर सुंदर, सफल और यौवन से भरपूर सुसज्जित हो जाता है। रोग और स्वास्थ्य की भी परिस्थितियों की तरह हमारे विचारों में जड़ें होती है। रोगग्रस्त विचार अपने लिए आपके शरीर को बीमार बना लेंगे। समय समय पर हुई रिसर्च में यह पाया गया है कि डर के विचार व्यक्ति को उतनी ही जल्दी मार डालते हैं जितनी जल्दी एक बंदूक की बुलेट। वे लाखों लोगों को निरंतर इसी तरह धीरे धीरे मार रहे हैं। जो लोग किसी जानी पहचानी या अनजान बीमारी के डर में रहते हैं, बीमारी उन्हें देर सवेर अपनी पकड़ में ले ही लेती है। बीमारी की यह चिंता जल्द ही पूरे शरीर को निरुत्साहित कर देती है और रोग को शरीर में प्रवेश करवाने के लिए इसे कमजोर बना देती है। नकारात्मक व अशुद्ध विचार चाहे शारीरिक तौर पर प्रहार न करे, लेकिन नाड़ी मंडल पर नकारात्मक प्रभाव अवश्य डालते हैं और उन्हें कमजोर कर देते हैं। सुंदर, सकारात्मक, शुद्ध व प्रसन्न विचार शरीर को जोश और लावण्य से सुसज्जित करते हैं। शरीर नाजुक और ढलने वाला यंत्र है। यह उन विचारों पर तत्काल प्रतिक्रिया करता है जो उस पर प्रभाव डालते हैं। आपके विचार करने की आदत के कारण विचार किए गए विचारों का प्रभाव आपके शरीर पर अवश्य पड़ता है। चाहे आपने अच्छे या बुरे पर विचार किया हो, प्रभाव अवश्य पड़ेगा। जब तक लोग नकारात्मक विचारों को फैलाते रहेंगे, तब तक उनमें अशुद्ध और जहरीला रक्त बहता रहेगा। शुद्ध हृदय और मनन से शुद्ध जीवन और शुद्ध शरीर उत्पन्न होता है। दूषित व नकारात्मक मन से दूषित व नकारात्मक शरीर व जीवन ही उत्पन्न होते हैं। विचार ही कर्म, जीवन और प्रकटीकरण का स्रोत है। स्रोत को अगर शुद्ध करेंगे तो सब शुद्ध हो जाएगा। अच्छे स्वास्थ्य की चाहत में जो लोग भोजन का तरीका या शैली बदलते हैं, यह तब तक उनकी मदद नहीं करेगा जब तक वे अपने विचारों को नहीं बदल लेते हैं। जब हमारे विचार शुद्ध होंगे, तब हमें अशुद्ध भोजन की चाह ही नहीं रह जाएगी। जिन्होंने अपने विचारों को सशक्त व शुद्ध किया है, उन्हें किसी भी हानिकारक जीव से डरने की आवश्यकता नहीं है। स्वस्थ विचार स्वस्थ आदतें बनाते हैं। यदि आप शरीर को पूर्ण स्वस्थ रखना चाहते हो, तो अपने मन की रक्षा करो। यदि आप अपने शरीर का नवीनीकरण करना चाहते हो, तो मन को सुंदर बनाओ। दुर्भावना, ईर्ष्या, निराशा, नकारात्मकता और उदासी के विचार शरीर के स्वास्थ्य और उसकी चमक को लूट लेते हैं। चिड़चिड़ा चेहरा एकाएक नहीं बनता है, वह उग्र विचारों से बनता है। झुर्रियां जो चेहरे पर खराब दिखती हैं, वे मूर्खता, पीड़ा और घमंड के कारण उत्पन्न होती है। आप अवश्य ही किसी न किसी ऐसे बूढ़े चेहरे को जानते होंगे जो तेजस्वी और एक छोटे बच्चे की तरह मुस्कुराहट के साथ चमक से भरा हुआ होगा। और ऐसे चेहरे भी आप अवश्य देखते होंगे जो निराशा की झुर्रियों के कारण उम्र से पहले ही बूढ़े दिखाई देने लगे होंगे। एक चेहरा खुशी व सकारात्मकता का व दूसरा चेहरा नकारात्मकता व बुरे निराशाजनक विचारों का परिणाम है। एक सशक्त शरीर, चमकीला, खुश और शांत चेहरा तब तक ही रह सकता है जब तक आप अपने मन में हर्ष, सद्भावना और शांत विचारों को आने की खुली छूट देते हो। बुजुर्ग लोगों के चेहरों पर सहानुभूति की झुर्रियां होती है जो सशक्त और शुद्ध विचारों से बनती है, लेकिन बहुत सी नकारात्मक भावनाओं द्वारा भी बनती है। इनमें हम तब तक फर्क नहीं कर सकते
जब तक उनके विचारों को न जान लें। जिन्होंने धर्म संगत जीवन जिया है उनका जीवन एक अस्त होते सूर्य की तरह शांतिपूर्ण, स्तब्ध और मृदुल हो चुका होता है। हाल ही में मैंने एक दार्शनिक को उनकी मृत्यु शैया पर देखा। वो उम्र के अलावा बूढ़े नहीं थे। उनकी मृत्यु उतनी ही मीठी और शांतिपूर्ण थी जितना उनका जीवन था। शारीरिक बीमारियों को दूर भगाने के लिए खुश दिल विचारों से अच्छा कोई डॉक्टर नहीं है। दुख और शोक की काली परछाई को हटाने के लिए सद्भावना जैसी तसल्ली देने वाली कोई चीज नहीं हो सकती। सदा दूसरों के बारे में बुरा सोचना, द्वेष रखना, शक करना और ईर्ष्या के विचार रखना ऐसा ही है जैसा स्वनिर्मित जेल में रहना। परंतु सबके बारे में अच्छा सोचना, सबके साथ खुश रहना, धैर्य के साथ यह सीखना कि उनमें केवल अच्छाई ही देखना, ऐसे निस्वार्थ विचार स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। दिन प्रतिदिन हर प्राणी के प्रति शांति के विचार रखना आप में अद्भुत शांति लाएंगे। धन्यवाद। hindiaudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। एज ए मैन थिंकेथ, रिटन बाय जेम्स एलन। अध्याय 4, विचार और उद्देश्य। hindiaudiobook.com। जब तक कोई भी विचार उद्देश्य के साथ नहीं जोड़ा जाता तब तक कोई भी प्रतिभा पूर्ण उपलब्धि नहीं बनती। बहुत से लोग अपने उच्चतम विचार जीवन के सागर में दिशाहीन गति से बहने देते हैं। जीवन में विचारों की दिशाहीनता बहुत बुरी होती है। अगर जो लोग विपत्ति और विनाश से दूर रहना चाहते हैं तो उनको इस प्रकार बहने से स्वयं को रोकना होगा। जिनके जीवन में कोई मुख्य उद्देश्य नहीं होता वे बहुत ही जल्दी तुच्छ चिंताओं, डर, परेशानियों और अपने प्रति दया रखने के भाव से ग्रस्त हो जाते हैं और ये सभी कमजोरी के लक्षण होते हैं। ये ठीक वैसे ही असफलता, अप्रसन्नता और कमी की ओर ले जाते हैं जैसे सोच समझकर आयोजित किए गए अपराध होते हैं, क्योंकि कमजोरी शक्ति विकसित करने के ब्रह्मांड में टिक नहीं सकती। हमें एक न्यायसंगत उद्देश्य के बारे में विचार करना चाहिए। वह उसे यथार्थ बनाने के लिए कार्यशील होना चाहिए। हमें अपने उद्देश्य को विचारों के केंद्र में रखना चाहिए। उद्देश्य बनाते समय हमारी प्रकृति कैसी है उसके अनुसार वह आध्यात्मिक या फिर भौतिक लक्ष्य का रूप ले सकता है, परंतु वह जो भी हो हमें उस उद्देश्य पर दृढ़ता से अपनी विचार शक्ति को केंद्रित करना चाहिए। हमें इस उद्देश्य को अपना उच्चतम कर्तव्य बनाकर उसकी प्रगति के लिए स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए। वह अपने विचारों को क्षणिक रुचियों, चाहतों और कल्पनाओं के पीछे नहीं भागने देना चाहिए। यह आत्मसंयम का राजसी मार्ग है और विचार की सच्ची एकाग्रता है। यदि हम बार बार अपने उद्देश्य को पाने में असफल हो रहे हैं तो यह तब तक होता रहता है जब तक हम अपनी कमजोरी से ऊपर नहीं उठ पाते हैं, और इससे हम चरित्र के सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं। वह सच्ची सफलता का मापदंड होता है। वह यह भविष्य के सामर्थ्य और विजय की नई शुरुआत होती है। जिनका कोई महान उद्देश्य नहीं होता है उन्हें अपने विचारों को कर्तव्य के अचूक प्रदर्शन पर केंद्रित करना चाहिए, फिर चाहे उनका कार्य कितना ही छोटा क्यों न दिख रहा हो। केवल इसी तरीके से विचारों को एकत्रित करके केंद्रित किया जा सकता है। वह संकल्प और ऊर्जा को विकसित किया जा सकता है। इसे सिद्ध करने के बाद ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं रह जाता है जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता हो। कमजोर आत्मा अपनी कमजोरी को जानते हुए और इस सत्य में विश्वास रखते हुए कि सामर्थ्य प्रयत्न और अभ्यास द्वारा विकसित की जा सकती है, वह तुरंत ही प्रयत्नशील हो जाती है और प्रयत्नों द्वारा सदा विकसित होती रहती है और अंत में दिव्य रूप में सशक्त हो जाती है। जैसे शारीरिक तौर पर कमजोर लोग सतर्क और धैर्यपूर्ण प्रशिक्षण द्वारा अपने आप को सशक्त बना सकते हैं, वैसे ही कमजोर विचार वाले लोग सही सोच का अभ्यास करके अपने आप को सशक्त बना सकते हैं। दिशाहीनता व कमजोरी को दूर करके किसी भी उद्देश्य के साथ सोचना उन सशक्त लोगों की श्रेणी में पहुंचना है जो कि सफलता प्राप्ति के लिए एक मार्ग के रूप में पहचानते हैं और जो सब परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाते हैं, और जिनके विचार सशक्त हैं वे बिना किसी डर से कोशिश करते हैं और कुशलता से उसे प्राप्त करते हैं। अपने लक्ष्य निर्धारण के बाद हमें मानसिक तौर पर उसको प्राप्त करने का एक सीधा मार्ग
बिना दाएं बाएं देखे तैयार करना चाहिए। अपने अंदर छुपे हुए संशय व डर को शक्ति से निकाल फेंकना चाहिए। ये वे विच्छेदक तत्व हैं जो प्रयत्न की सीधी रेखा को तोड़कर उसे तिरछा, अप्रभावी व बेकार बना देते हैं। संशय और डर के भाव के विचारों से कभी कुछ भला नहीं हो सकता है। वे हरदम असफलता की ओर ले जाते हैं। उद्देश्य, ऊर्जा, करने की शक्ति और सभी सशक्त विचार तब रुक जाते हैं जब मन में संशय और डर के विचार घुस जाते हैं। कुछ करने की इच्छा इस ज्ञान से उभरती है कि हम कुछ कर सकते हैं। संशय और भय ज्ञान के सबसे बड़े शत्रु हैं, और वह लोग जो उसे बढ़ावा देते हैं उन्हें मारते नहीं, बल्कि वे हर कदम पर निष्फल होते रहते हैं। जिन्होंने संशय और भय पर विजय पा ली है, उन्होंने असफलता को जीत लिया है। उनका हर विचार सामर्थ्य से जुड़ा हुआ है, और सभी परेशानियों का साहस के साथ सामना कर उन्हें बुद्धिमानी से वश में किया जा सकता है। उनके उद्देश्य वातावरण के हिसाब से बोए जाते हैं, और वे ऐसे फल फूल देते हैं जो समय से पहले नहीं गिर जाते हैं। बिना किसी भय के उद्देश्य से जुड़ा हुआ विचार रचनात्मक शक्ति बन जाता है। वे जो यह जानते हैं, वे तैयार हैं भटकते विचारों और उतरते चढ़ते संवेदनाओं की गठरी से ज्यादा कुछ उच्चतम और सशक्त बनने के लिए जो यह करते हैं, अपने विचारों को अपने उद्देश्य के साथ जोड़ते हैं। वे अपनी मानसिक शक्ति के जागरूक और बुद्धिमान शासक बन जाते हैं। धन्यवाद। hindiaudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। एज ए मैन थिंकेत, जेम्स एलन। अध्याय 5, उपलब्धि में विचार एक घटक। hindiaudiobook.com। आप जो भी पाते हो या पाने में असफल होते हैं, तो यह सब आपके विचारों का सीधा सीधा नतीजा है। इस न्यायपूर्ण व्यवस्थित संसार में जहां संतुलन की कमी विनाश ला सकती है, वहां व्यक्तिगत जिम्मेदारी अवश्य पूर्ण होनी चाहिए। आपकी ताकत या कमजोरी, सफलता या असफलता, जय या पराजय, सुख या दुख जैसी कोई भी दशा केवल आपकी ही है, किसी दूसरे की नहीं है। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप हो, जैसा आप सोचते रहते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। सशक्त लोग कमजोर लोगों की मदद तब तक नहीं कर सकते जब तक कमजोर लोग मदद लेने के लिए तैयार नहीं होते। जिस मजबूती को वे दूसरों में देखते हैं, उन्हें अपने प्रयत्नों के द्वारा उस सामर्थ्य को विकसित करना होगा। केवल और केवल हम खुद ही अपनी दशा को बदल सकते हैं। दबाने वाले व दबने वाले वास्तव में अपने आप को सताने में सहयोगी होते हैं, बल्कि देखने में यह लगता है कि वे एक दूसरे को सता रहे हैं। पूर्ण ज्ञान कर्म के नियम को दबाने वाले की कमजोरी में और दबाने वाले की दुष्प्रयुक्त शक्ति में देखता है। पूर्ण प्रेम दोनों के कष्ट को देखकर किसी का भी हनन नहीं करता। पूर्ण करुणा दबाने वाले और दबने वाले दोनों को ही अपनाती है। जिन्होंने कमजोरी पर विजय पा ली है और सभी स्वार्थी विचारों को त्याग दिया है, जो न तो अत्याचारी हैं और न ही वह जिन पर अत्याचार हो रहा है, वे मुक्त हैं। कुछ पाने से पहले जो चाहे सांसारिक वस्तुएं हो, हमें अपने विचारों को अति भोगवादी होने से ऊपर उठाना चाहिए। हमें सफलता पाने के लिए सभी स्वार्थों को नहीं तो कुछ को तो छोड़ना ही होगा। अगर हमारे सभी विचार भोगवादी हैं, जिससे हम न तो ठीक प्रकार से सोच सकते हैं और न ही ठीक योजना बना पाते हैं, इसलिए हम ज्यादातर क्षेत्रों में असफल होते हैं। हमने अभी तक अपने विचारों को प्रभावशाली तरीके से नियंत्रित नहीं किया है, और इसलिए हम गंभीर जिम्मेदारियों को अपनाने के योग्य नहीं होते। हम न तो अकेले कोई कार्य करने में स्वतंत्र हैं और न ही अकेले खड़े रहने में। हमने जो विचार चुने हैं, हम उनके द्वारा सीमाबद्ध हैं। बिना त्याग के न तो प्रगति हो सकती है, न कोई उपलब्धि मिल सकती है। वह हमारी सांसारिक सफलता इस बात के सीधे अनुपात में होगी कि हमने किस हद तक स्वार्थी भोगाशक्त विचारों पर काबू पा लिया है, और अपने मन को अपनी योजनाओं के विकास और अपने संकल्प और आत्मविश्वास को सशक्त करने में लगाया है। हम जितनी उच्चता अपने विचारों में लाएंगे, उतने ही ज्यादा धर्म संगत
सही और आदर्शवादी हम बन पाएंगे और उतनी ही ज्यादा हमारी सफलता होगी। वह हमारी उपलब्धियां उतनी ही अधिक आशीर्वादित व स्थायी होंगी। लोभी, बेईमान व दुष्ट इंसान का साथ ब्रह्मांड कभी नहीं देता, लेकिन सरसरी तौर पर लग सकता है कि ऐसा हो रहा है। वह ईमानदार, उदार हृदय व पुण्यात्मा की मदद करता है। समस्त योगों के महान शिक्षकों ने यह अलग अलग तरीके से दुनिया को बताया है कि इसको जानने व सत्य साबित करने के लिए आपको विचारों को उच्च करके अपने आप को पुण्यात्मा बनाने में कार्यरत रहना है। बौद्धिक उपलब्धियां, ज्ञान की खोज या जीवन और प्रकृति में सुंदरता व सत्य की खोज में अर्पित विचारों का नतीजा है। ऐसी उपलब्धियां कई बार महत्वाकांक्षाओं व अभिमान से जोड़ी जा सकती है, परंतु वे इन विशेषताओं का परिणाम नहीं है, वरना लंबे और कठिन परिश्रम का व शुद्ध और निस्वार्थ विचारों का स्वाभाविक नतीजा है। आध्यात्मिक उपलब्धियां पवित्र महत्वाकांक्षाओं की सिद्धि है। जो लोग लगातार पुण्य व उच्च विचारों की भावना रखते हैं, जो उन सब पर चिंतन करते हैं जो शुद्ध व निस्वार्थ हैं, सूर्य और चंद्र की पूर्णता की तरह अवश्य ही अपने चरित्र में पुण्यात्मा व ज्ञानी बनते हैं और एक प्रभावशाली और धनी स्थिति तक ऊपर पहुंचते हैं। हम संसार में उच्च सफलता पा सकते हैं और आध्यात्मिक लोक में भी उच्च स्थिति तक उठ सकते हैं, और दंभी, स्वार्थी व दूषित विचारों को अपने में समाकर हम कमजोर और दुर्भाग्यशाली स्थिति में गिर सकते हैं। सही विचार द्वारा प्राप्त विजय को केवल सार्थकता द्वारा ही बनाए रखा जा सकता है। जब सफलता मिलना तय होता है तो बहुत से चूक जाते हैं और शीघ्र ही असफलता को चखते हैं। समस्त उपलब्धियां, चाहे व्यापार, बौद्धिक या आध्यात्मिक जगत में हो, निश्चित रूप से निर्देशित विचारों का फल है और उसी नियम के अधीन है और उसका वही तरीका है। फर्क सिर्फ प्राप्ति के लक्ष्य में है। वे जिन्हें बहुत कम मिलता है उन्हें थोड़ा त्याग भी करना चाहिए, और जो ज्यादा प्राप्त करते हैं उन्हें ज्यादा त्याग करना चाहिए। वे जिन्हें उच्चतम मिलता है उन्हें महान त्याग करना चाहिए। धन्यवाद। hindiaudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। एज ए मैन थिंकेथ, जेम्स एलन। अध्याय 6, परिकल्पनाएं और आदर्श। स्वप्न देखने वाले इस संसार के मसीहा हैं। जिस तरह से दृश्य जगत अदृश्य द्वारा पोषित है, उसी तरह मानवता सभी परीक्षाओं, गलतियों और कष्ट में उसके योगी स्वप्न देखने वालों की सुंदर परिकल्पनाओं द्वारा पोषित होती है। मानवता अपने स्वप्न दृष्टाओं को भूल नहीं सकती। वे उनके आदर्शों को ऐसे ही फीका पड़कर मर जाने नहीं दे सकती। वह उनमें रहती है। वह उन्हें वास्तविकताओं जैसा मानती है, जैसे कि एक दिन वह उन्हें देखेगी और जान पाएगी। संगीतकार, मूर्तिकार, चित्रकार, कवि, पैगंबर, ऋषि, ये जगत के परे की दुनिया के बनाने वाले हैं, स्वर्ग के शिल्पकार हैं। यह जगत सुंदर है क्योंकि ये इसमें रहते हैं। उनके बिना श्रमकारी मानवता मिट जाएगी। जो अपने हृदय में एक सुंदर परिकल्पना को वह उच्च आदर्श को संजोते हैं, एक दिन उसे साकार कर पाएंगे। कोलंबस ने एक दूर देश की कल्पना को संजोया था और उसने उसे खोज निकाला। कोपरनिकस ने संसारों की अनेकता और एक विस्तृत ब्रह्मांड के होने की परिकल्पना को पोषित किया था और उसने उसे प्रकट भी किया। भगवान बुद्ध ने निष्कलंक सुंदरता और पूर्ण शांति के आध्यात्मिक जगत की परिकल्पना को संजोया था और उन्होंने उसमें प्रवेश भी किया। अपनी परिकल्पनाओं को पोषित करो, अपने आदर्शों को पोषित करो। तुम्हारे हृदय में जो संगीत उमड़ता है, मन में जो सुंदरता रूप लेती है, तुम्हारे सूक्ष्मतम विचारों को जो खूबसूरती लपेटती है, उसे पोषित करो, क्योंकि उन सब में से हर्षपूर्ण परिस्थितियां और स्वर्गपूर्ण वातावरण पनपेंगे और बढ़ेंगे। यदि तुम इनके प्रति सच्चे रहो तो तुम्हारे संसार का अंततः निर्माण होगा। चाहने से तुम पाओगे, आकांक्षा रखने से प्राप्त करोगे। क्या हमारी निम्नतम इच्छाओं को संतुष्टि का पूर्ण माप मिले
और हमारी शुद्धतम आकांक्षाएं पोषण की कमी से नष्ट हो जाएं। ब्रह्मांडीय नियम ऐसा नहीं है। ऐसी दशा में चीजों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। मांगो और तुम्हें मिल जाएगा। उच्च स्वप्न देखो और जैसे तुम स्वप्न देखोगे तुम वैसे बन जाओगे। तुम्हारी परिकल्पना उसका वचन है जो तुम एक दिन बन जाओगे। तुम्हारे आदर्श उसकी भविष्यवाणी है जिसे तुम अंत में पर्दा उठाकर देख सकोगे। मानव उपलब्धियां सबसे पहले और लंबे समय तक एक स्वप्न थी। ओक का वृक्ष मंजू फल में छिपा होता है, चिड़िया अंडे में पलती है और आत्मा की उच्चतम परिकल्पना में जागृत देवदूत चलते हैं। स्वप्न वास्तविकता के बीज हैं। तुम्हारी परिस्थितियां हो सकता है प्रतिकूल हो, परंतु वे ऐसा लंबे समय तक नहीं रहेंगी। यदि तुम एक आदर्श को मन में रखकर उसे पाने के लिए जी जान लगा दो, बाहर शांत खड़े रहकर तुम अंतर में यात्रा नहीं कर सकते। एक युवती है और एक युवक है, दोनों ही गरीबी और काम के बोझ तले दबे हुए हैं। लंबे समय तक अस्वस्थ वातावरण वाली वर्कशॉप में बंद, अशिक्षित और सभी प्रकार की शिष्टताओं से कोसों दूर, परंतु दोनों ही बेहतर जिंदगी के सपने देखते हैं और वे बुद्धि, कृपा, शिष्टता और सुंदरता की कल्पना करते हैं। वे मानसिक तौर पर एक आदर्श जीवन परिस्थिति की कल्पना करते हैं, एक विस्तृत स्वतंत्रता की परिकल्पना करते हैं और एक बड़ी आकांक्षा उन पर हावी हो जाती है। व्याकुलता उन्हें कर्म करने के लिए उकसाती है और वे अपने खाली समय व साधनों को, चाहे वे अभी कम है, अपने सोई शक्तियों और साधनों के विकास में लगाते हैं। शीघ्र ही उनके मन इतने परिवर्तित हो जाते हैं कि वह वर्कशॉप उन्हें बांध कर नहीं रख पाती है। उनकी सोच से वह इतनी बेमेल हो जाती है कि वह उनके जीवन से वैसे ही बाहर हो जाती है जैसे कोई कपड़ा उतार कर फेंक दिया जाता है। जैसे जैसे उनके लिए वे अवसर बढ़ते जाते हैं जो कि उनकी विस्तृत होती शक्तियों के कार्य क्षेत्र को समा सके, वे उससे हमेशा के लिए बाहर निकल जाते हैं। सालों बाद हम उन्हें फिर देखते हैं। बहुत ही विशिष्ट तरीकों में हम उन्हें मन की कुछ एक शक्तियों के अधिकारी पाते हैं जिनके प्रयोग से वे दुनिया भर पर प्रभाव और लगभग अप्रतिम सामर्थ्य से शासन करते हैं। वे अपने हाथों में विशाल जिम्मेदारियों के सूत्रों को थामे हैं। वे बोलते हैं और जीवन रूपांतरित हो जाते हैं। स्त्री और पुरुष उनके शब्दों में विश्वास करते हैं और अपने चरित्र को पुनः ढालते हैं और सूरज की तरह ये ऐसे स्थायी और प्रकाशित केंद्र बन जाते हैं जिसके चारों ओर असंख्य जीव घूमते रहते हैं। उन्होंने अपने यौवन की परिकल्पना को पा लिया है। वे अपने आदर्शों से एक हो गए हैं। और तुम भी नौजवान पाठक अपने हृदय की परिकल्पना को पाओगे, व्यर्थ इच्छा को नहीं, चाहे वह ओछी हो या सुंदर या फिर दोनों का मिश्रण, क्योंकि तुम सदा उसकी ओर खींचे जाओगे जिससे तुम गुप्त रूप से सबसे ज्यादा प्यार करते हो। तुम्हारे हाथों में तुम्हारे अपने विचारों का फल मिलेगा। तुमने जो कमाया है वह तुम पाओगे, न ज्यादा न उससे कम। तुम्हारे वर्तमान का वातावरण चाहे कैसा भी क्यों न हो, तुम्हारे विचारों, तुम्हारी परिकल्पना, तुम्हारे आदर्श द्वारा तुम या तो गिरोगे, वैसे ही रहोगे या फिर उठोगे। तुम अपने नियंत्रित इच्छाओं जितना छोटे बन जाओगे या तुम अपनी प्रबल अभिलाषाओं जैसे महान बन जाओगे। स्टेंटन क्रिक हम डेविस के सुंदर शब्दों में, तुम वही खाते संभाल रहे हो और तुम अभी उन दरवाजों से बाहर निकलते हो जो इतने समय से तुम्हें लगता था कि तुम्हारे आदर्शों के लिए रुकावट थे, और अपने आप को श्रोताओं के सामने पाते हो। पेन अभी भी तुम्हारे कान पर अटका है, उंगलियों पर शाही के धब्बे हैं, और तभी उसी क्षण में तुम्हारे अंतर में प्रेरणा की वर्षा होने लगती है। तुम बकरियों को चरा रहे होते हो और शहर में घूमते हुए पहुंच जाते हो, फटे मुंह देहाती की तरह, और आत्मा के निर्भय मार्गदर्शन में तुम एक गुरु के आश्रम में पहुंच जाते हो। और एक समय के बाद वे कहते हैं, तुम्हें सिखाने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है, अब तुम स्वयं गुरु बन गए हो जो थोड़े समय पहले तक बकरियां चराते हुए महान कार्यों के घटने के स्वप्न देखा करता था। बेपरवाह, अज्ञानी और आलसी, केवल चीजों के लिए प्रत्यक्ष प्रभाव को देखते हुए, न कि स्वयं चीजों को, भाग्य, किस्मत और संयोग के बारे में बात करते हैं। किसी को धनवान बनता देखकर कहते हैं, कितना भाग्यशाली है।
किसी को सुप्रसिद्ध विद्वान बनता देख वे आश्चर्य से कहते हैं, उस पर कितनी कृपा दृष्टि है। और किसी साधु प्रवृत्ति वाले व्यक्ति और उसका अन्य लोगों पर प्रभाव पड़ते देखकर वे टिप्पणी करते हैं, देखो किस्मत कैसे हर कदम पर उसका साथ दे रही है। वे उन परीक्षाओं, असफलताओं और संघर्ष को नहीं देखते जो इन स्त्री पुरुषों ने अनुभव पाने के लिए सहर्ष स्वीकारा है। उन्हें इनके द्वारा किए गए त्याग का, साहसिक प्रयत्न का और विश्वास जिसे उन्होंने अपनाया है का जरा सा भी ध्यान नहीं है, जिससे कि वे अलंद्य दिखने वाले लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और अपने हृदय की परिकल्पना को पा सकें। उन्हें मन के अंधकार और दिल के टूटने का कोई एहसास नहीं होता। उन्हें केवल प्रकाश और प्रसन्नता दिखती है और वे उसे भाग्य कहते हैं। वे लंबी और कठिन यात्रा नहीं देखते, केवल सुखी परिणाम को देखते हैं और वे उसे सद्भाग्य कहते हैं। वे प्रक्रिया को नहीं समझते, केवल नतीजा देखते हैं और उसे संयोग कहते हैं। हर मानव कार्य में प्रयत्न है और फल भी है, और प्रयत्न कितना सशक्त है इसे फल से मापा जाता है। यह कोई संयोग नहीं है। कहे जाने वाले उपहार, शक्ति, भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक अधिकार प्रयत्न के हैं। वे पूर्ण किए हुए विचार हैं, प्राप्त किए हुए लक्ष्य हैं, साकार परिकल्पनाएं हैं। वह परिकल्पना जिसकी तुम अपने मन में प्रशंसा करते हो, वह आदर्श जिसे तुमने अपने हृदय में विराजित कर रखा है, उससे तुम अपने को बनाओगे और यही तुम बन जाओगे। धन्यवाद। hindiaudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। एज ए मैन थिंकेथ, जेम्स एलन। अध्याय 7, प्रशांति। hindiaudiobook.com। मन की शांति ज्ञान का एक सुंदर मणि है। वह आत्मसंयम के लंबे और धैर्यपूर्ण प्रयत्न का नतीजा है। उसकी उपस्थिति परिपक्व अनुभव का और नियम व विचारों के उच्च ज्ञान व कार्यकलाप का चिन्ह है। हम उसी मात्रा में शांत होते हैं जितना हम विचार विकसित अस्तित्व के रूप में स्वयं को समझते हैं, क्योंकि ऐसा ज्ञान विचार के फलस्वरूप निश्चित ही दूसरों को समझने की क्षमता रखता है। और जैसे हम सही समझ को विकसित करते हैं और कारण व प्रभाव के आधार पर आंतरिक भावनाओं व विचारों को अधिक स्पष्टता से समझते हैं, हम चीखते चिल्लाते नहीं और चिंतित व दुखी नहीं होते। हम संतुलित, वचनबद्ध और शांत रहते हैं। वे लोग जो शांत हैं, जिन्होंने स्वयं को नियंत्रित करना सीखा है, जानते हैं कि स्वयं को दूसरों के माफिक कैसे बनाया जाए, और ये दूसरे बदले में शांत लोगों की आध्यात्मिक सामर्थ्य का सम्मान करते हैं और यह सोचते हैं कि उससे सीख सकते हैं और उस पर भरोसा कर सकते हैं। जितने अधिक प्रशांत हम बन जाते हैं, उतनी अधिक हमारी सफलता, हमारा प्रभाव व अच्छाई के लिए हमारा सामर्थ्य होता है। उदाहरण के लिए, साधारण सी बिक्री करने वाले लोग भी जैसे जैसे अपने आत्मनियंत्रण और समभाव को बढ़ा देंगे, उनकी व्यावसायिक प्रचुरता बढ़ती जाएगी, क्योंकि लोग ऐसे लोगों के साथ ही काम करना पसंद करेंगे जिनका व्यवहार अच्छा व स्थिर है। सशक्त और शांत लोगों को सदा सम्मान मिलता है, वह उनसे प्यार किया जाता है। वे प्यासी भूमि में छांव देने वाले पेड़ या फिर तूफान में पनाह देने वाली चट्टान की तरह होते हैं। शांत हृदय, मीठा स्वभाव व संतुलित जीवन किसे पसंद नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वर्षा होती है या सूरज चमकता है, या इन आशीर्वादों को पाने वालों के जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं। वे हरदम मधुर और शांत रहते हैं। वह चरित्र की विशिष्टता जिसे शांतता कहते हैं, संस्कृति का आखिरी सबक है। वह जीवन का फूलना है, आत्मा का फलना है। वह ज्ञान की तरह मूल्यवान है और उसकी सोने से भी ज्यादा कामना करनी चाहिए। हाँ, उत्कृष्ट सोने से भी ज्यादा। पैसे को पाने की चाह कितनी तुच्छ लगती है जब उसकी तुलना एक शांत जीवन, जो सत्य के सागर में लहरों के नीचे आंधी तूफान की पहुंच से परे शाश्वत शांति में बसता है। हम ऐसे कितने ही लोगों को जानते हैं जो अपने जीवन को अप्रिय बना लेते हैं, जो अपने विस्फोटक गुस्से के कारण वह सब जो मधुर और सुंदर है उसे तबाह कर देते हैं, जो अपने चरित्र की शिष्टता का नाश कर देते हैं और मनमुटाव पैदा कर देते हैं। यह एक प्रश्न है
कि क्या बड़ी मात्रा में लोग अपने जीवन को तबाह नहीं करते हैं, और क्या वे नासमझी और आत्मनियंत्रण की कमी के कारण अपने जीवन की खुशियों को मार नहीं देते। हम अपने जीवन में ऐसे कितने कम लोगों से मिलते हैं जो शांत होते हैं, जिनमें अद्भुत शिष्टता होती है, जो कि एक परिपक्व चरित्र की विशेषता है। हां, अनियंत्रित गुस्से से मानवता आवेश में आती है, अनियंत्रित दुख से उत्तेजित हो जाती है, व्यग्रता और संयम से प्रभावित होती है। केवल वे ज्ञानी जिनके विचार नियंत्रित व शुद्ध हैं, आत्मा की तेज हवाओं और तूफानों व हवा को काबू में ला सकते हैं। तूफान में डावाडोल आत्मा, चाहे तुम कहीं भी क्यों न हो, चाहे किसी भी परिस्थितियों में क्यों न रहते हो, यह जानती है कि जीवन के समुद्र में पवित्रता के द्वीप मुस्कुरा रहे हैं और तुम्हारे आदर्शों का उजला किनारा तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है। विचारों की पतवार को अपने हाथों में कसकर पकड़ कर रखो। तुम्हारी आत्मा के जहाज में प्रबल स्वामी आराम करता है, वह केवल सोता है, उसे जगाओ। आत्मनियंत्रण सामर्थ्य है, सही विचार श्रेष्ठता है, शांतता शक्ति है। अपने हृदय से कहो, शांत रहो, स्थिर रहो। धन्यवाद। हिंदी ऑडियो बुक .com। आपका दिन शुभ हो।